हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आयुर्वेदिक टिप्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इफेक्टिव चाय के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर के अनेकों तरह की बीमारी ऐसे ही दूर हो जाएंगी। वैसे तो नॉर्मली चाय सभी बनाते हैं, लेकिन मैं इस चाय में दो ऐसे चीजों को ऐड करूंगी जिससे आपका चाय जो है बिल्कुल अमृत बन जाएगा, यानी कि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। आमतौर पर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं कि चाय पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाय में भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि अलग अलग तरीके से आपके स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। और वैसे एक बात बता दूं कि चाय हो या कोई भी फायदेमंद करने वाली चीज हो, अगर आप जरूरत से ज्यादा लेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही साबित होती है, चाहे वो चाय हो या कोई भी चीज हो। इसलिए जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो चाय हो या फायदेमंद करने वाली कोई भी चीज हो। उसकी उचित मात्रा में अगर आप सेवन करेंगे तो आपको कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से चाय है, अगर आप दिन में 2 से 3 कप चाय प्रयोग करते हैं तो इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। खासतौर पर जो मैं चाय बनाना अब बताऊंगी वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ही नुकसानदायक नहीं होगा, बल्कि इसके फायदे ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इस इफेक्टिव चाय के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि दो चीज कौन सी है जिसको हम चाय में डालेंगे तो हमारी चाय बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बन जाएगा, अमृत की तरह काम करेगा। तो इसमें जो हम फर्स्ट और मेन इंग्रेडिएंट यूज करेंगे उसके लिए हमें अदरक का प्रयोग करना है। और आप सभी नॉर्मली जो है चाय में अदरक का प्रयोग करते ही हैं, रेगुलर बहुत लोग अपने घर में इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अदरक इतना इफेक्टिव होता है, इतना फायदेमंद होता है आपकी सेहत के लिए कि आपके खून को पतला करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है जो कि आपके शरीर के विषाक्त पदार्थों को निकालने का काम करता है, या किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको दूर करने का काम करता है। इसके अलावा आपके शरीर में किसी भी प्रकार का सूजन हो गया हो तो सूजन को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से होता है अगर आप अदरक का प्रयोग करते हैं तो, और ये अदरक जो है आपके ज्वाइंट पेन की समस्या से भी छुटकारा दिलाता है। इसके अलावा अदरक जो है एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है, एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का काम करता है। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई है तो अदरक के प्रयोग करने से आपकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग होती है, जिससे आपके अंदर रोग से लड़ने की ताकत आ जाती है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होने की वजह से ये आपकी किसी भी प्रकार को वायरल इन्फेक्शन होने से बचाता है और आपकी खांसी, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या से भी छुटकारा दिलाता है, बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है अदरक, तो इसका प्रयोग करना है। सेकेंड इंग्रेडिएंट में आपको दालचीनी का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, दालचीनी जो है इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, ये आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर आपके रक्त में अशुद्धियां भर गई हैं तो उसको रक्त की अशुद्धियों को बाहर निकालने का काम करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करता है। और इसके साथ ही इसके और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो कि आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन को नहीं होने देते हैं, पनपने ही नहीं देते हैं अगर आप दालचीनी का प्रयोग करते हैं तो। और अगर आप इसका चाय में प्रयोग करते हैं तो आपका चाय तो बिल्कुल ही इफेक्टिव और कारगर बन जाता है। तो यहाँ पे आपको जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है उसके लिए आपको दालचीनी का प्रयोग करना है। यही दो मेन चीज है जो हम आम चाय में प्रयोग करेंगे तो चाय हमारा बहुत ही इफेक्टिव बन जाएगा। तो यहाँ पे दो मेन जो चीज है वो मैं आपको बता दी हूँ। यहाँ पे थर्ड जो है ऑप्शनल है, आप चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए आपको हरी इलायची का प्रयोग करना है। वैसे तो इलायची वाली चाय सबको पसंद होती है और इसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ये जो हरी इलायची है आपके दिल के लिए काफी फायदेमंद होती है, दिल को स्वस्थ रखने का काम करती है, आपके रक्त में अशुद्धियों को दूर करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का काम करती है, और भी इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे एक हरी इलायची का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इस चाय को बनाना कैसे है और इसकी क्वांटिटी भी बता देती हूँ। अगर आप एक मेंबर के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे 1/2 इंच के करीब में आपको अदरक का टुकड़ा लेना है, जिसे आपको ग्रेट कर लेना या कूट लेना है। और यहाँ पे आपको दालचीनी का जो पाउडर है उसके लिए आपको 1/2 टीस्पून पाउडर लेना है दालचीनी का। आप घर का पाउडर यूज कीजिएगा, घर का बनाया हुआ, या तो दालचीनी को कूट लीजिए या इसका पाउडर बना के रख लीजिए, घर का ही होना चाहिए। और यहाँ पे थर्ड आपको यूज करना है हरी इलायची का। अगर आप प्रयोग करना चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं या नहीं तो ये ऑप्शनल है। वैसे इसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक हरी इलायची लेनी है जिसको आपको कूट लेना है या इसका पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने अदरक को कूट लिया हुआ है और यहाँ पे दालचीनी जो है इसको भी मैंने कूट लिया है। आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं या कूट सकते हैं। और यहाँ पे मैंने हरी इलायची को भी कूट लिया है, आप पाउडर भी बना सकते हैं। सबसे पहले चाय बनाने के लिए आपको पानी का प्रयोग करना है। तो जितना कप आप चाय बनाना चाहते हैं उतना कप आपको पानी ले लेना है और एक पैन में डाल देना है और इसे गैस पे रख देना है। और इसमें जितने भी आप इंग्रेडिएंट्स रखे हैं कूट कर इसको भी
डाल दीजिए पानी के साथ ही, और लो से मीडियम फ्लेम पर आपको इसे अच्छे से बॉयल करना है। जब इसमें अच्छे तरीके से बॉयल आने लगेगा तब आपको इसमें गर्म दूध को डालना है। चाय बनाने का यही तरीका होता है। इस तरीके से अगर पहले पानी में इंग्रेडिएंट्स आपको आप पका लेंगे तो इंग्रेडिएंट्स के जितने भी गुण है, पोषक तत्व है, सब जो है पानी के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आप इसमें दूध डाल दीजिए और इसे लो फ्लेम पे ही आप पकाइए, हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा। इससे जो इसके जो भी न्यूट्रिएंट्स या जो भी गुण आपको मिलने चाहिए, जो भी फायदे मिलने चाहिए, आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए चाय को हमेशा धीमी आंच पे पकाना चाहिए। इससे चाय का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है और इसमें जो भी हमने हर्ब्स और इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं उसके भी न्यूट्रिएंट्स जो है ये चाय के अंदर आ जाते हैं। तो आपको धीमी आंच पे पकाना है और यहाँ पे आप चाय पत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे चाय का कलर भी बहुत ही अच्छे से आएगा और चाय पत्ती में भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं जो कि आपके शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पे आपको चाय पत्ती का प्रयोग करना ही है और यहाँ पे आपको चीनी का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि चीनी जो है व्हाइट पॉइजन की तरह काम करता है। तो यहाँ पे आपको गुड़ का प्रयोग करना है, नहीं तो आप गुड़ का प्रयोग नहीं करना चाहें तो यहाँ पे धागे वाली जो मिश्री होती है उसका प्रयोग करना है। तो मैं यहाँ पे धागे वाली मिश्री ली हूँ जो कि आपके सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है। तो आप चीनी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कीजिएगा, या तो गुड़ का प्रयोग कीजिएगा या तो मिश्री का प्रयोग कीजिएगा। तो मैंने धागे वाली मिश्री ली है, इसका हम पाउडर बना लेंगे और हम चाय में डाल देंगे और इसे धीमी आंच पे हम थोड़ा देर और पका लेंगे। इसके बाद जो हमारे चाय है बनकर बिल्कुल ही रेडी हो गया है और ये चाय बिल्कुल ही इफेक्टिव बना है। तो अगर आप इस चाय का प्रयोग करेंगे तो इससे आपकी नसों में ब्लॉकेज नहीं आएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से होगा, ज्वाइंट पेन में आपको काफी राहत मिलेगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करेगा और आपके शुगर लेवल को भी नियंत्रित करेगा। लेकिन अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो इसमें आपको कोई भी मीठा चीज प्रयोग नहीं करना है क्योंकि इसमें जो हम दालचीनी का प्रयोग किए हैं तो ऑलरेडी जो हमारे चाय है इसमें थोड़ी सी मिठास आ जाएगी आपको दालचीनी की वजह से। और वैसे आप आदत डालिए विदाउट चीनी का, विदाउट मीठे चीज का चाय पीने का, इससे आपको काफी फायदे भी मिलेंगे। तो ये हमारा चाय बिल्कुल ही इफेक्टिव बनकर रेडी हो गया और अगर आप इस चाय का डेली प्रयोग करते हैं तो इससे आपको कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है, इसके फायदे ही आपको मिलेंगे। तो आप इस चाय का प्रयोग जरूर कीजिए। तो आज से ही आप अपने चाय में अदरक और दालचीनी का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, इससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। जब आप इसका प्रयोग करना शुरू कीजिएगा तो इसका फर्क आपको खुद ही देखने को मिल जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको हमारी वीडियो काफी यूजफुल लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी आयुर्वेदिक नुस्खे की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।